आपका नाम बताइए। विवेक यादव। आपकी क्या गवाही है? मेरा हाथ में पिछले 15 दिनों से इन्फेक्शन हो गया था, सीएनसी मशीन चलाता है उसमें इन्फेक्शन कूलेंट का रहता है, केमिकल का इन्फेक्शन हो गया था हाथ में, तो 15 दिन से पूरा परेशान हो गया था। किसके सामने मैं शर्म से खाना नहीं खाता था, तो पिछले गए संडे में आया था, प्रभु से प्रार्थना किया और आशीषित तेल ले गया और अभी मैं पूरी तरह से चंगा हूँ, पिता का धन्यवाद। आपके हाथ में कहाँ पर इन्फेक्शन हो गया था? ये यहाँ पे, ये इतने ही भाग में है कि कहाँ पे? पूरे हाथ में है? पूरे हाथ में हुआ था, इधर थे। ये अभी भी दाग रह गए हैं, निशान बाकी है? अभी पूरी तरह से चंगा, कुछ दिक्कत नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। आपने बताया कि आपके मोबाइल में भी आपने फोटो निकाल कर रखा है कि क्या तकलीफ हो गई थी, आप दिखा सकते हैं? ये फोटो है पहले का, निकाल के रख। ये आपका हाथ इस प्रकार से हो गया था? जी ऐसा हो गया। ये एक ही हाथ में ये तकलीफ हो रही थी? यार हल्का था, इसमें पूरा हाथ हो गया था, अभी पूरी तरह से। और जिस वजह से आपको खाना खाते समय भी लोगों के सामने शर्म आ रहा था कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जी अभी कुछ दिक्कत नहीं, वो लोग भी बोल रहा बीमारी था, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं, दवा वगैरह कुछ नहीं लिया, बस प्रभु का आशीष तेल लगाया और पूरी तरह से अभी ठीक। प्रभु ने आपको ठीक किया? जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आनंद यादव है, मैं उल्लासनगर से आया हूँ। मेरी गवाही है कि मैं शुक्रवार को मैं प्रार्थना में आया था, मेरी वाइफ का तबीयत 2.5-3 महीने से खराब था, बेड पे सोई थी और वो प्रेग्नेंट है। मैंने 50-60 हज़ार रुपये का दवाई कराया, कुछ भी रिलीफ नहीं मिला, और प्रार्थना में आया शुक्रवार को, तब से मेरी वाइफ को अभी आराम मिल गया, अब मतलब चल फिर रही है, अभी बात भी कर रही है, अभी मतलब सही है पूरा, कुछ भी है। आप बता रहे हैं कि आपकी पत्नी अभी 3 महीने की गर्भवती है और जब से वो गर्भवती हुई तब से ही वो बिस्तर पे ही रहती थी? जी तब से बिस्तर पे ही थी, कभी उठ भी नहीं पा रही थी, इसको उठाना पड़ता था खाना खिलाने के लिए और प्रार्थना भी करने के लिए सो के प्रार्थना करती थी। मतलब क्या दिक्कत हो रही थी उनके शरीर में? उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब जैसा लग रहा था कुछ जान ही नहीं इसके शरीर में, उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब जान ही नहीं मन पड़ता था शरीर में, ऐसा लगता था कि मतलब इसके शरीर में कुछ जान नहीं है। डॉक्टर के पास लेके जाता था तो डॉक्टर भी बोलता था मुझे समझ में नहीं आ रहा इससे क्या हुआ है, और वो अपने मन से दवाई लिखते था फिर भी इसको कुछ आराम नहीं मिलता था। आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, मतलब 50-60 हज़ार? जी इतना पैसा लगाया इसके पीछे, और रिपोर्ट भी उसने रिपोर्ट निकालता था, 6,500-7,000 का रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट में भी नॉर्मल निकला, कुछ भी कुछ नहीं निकला इसको। फिर मैंने शुक्रवार को मैं यहाँ पे आया, ये अभी परसों का शुक्रवार, परसों मैंने आया, परसों में लेके इसको आया यहाँ पे, तो सिस्टर ने प्रार्थना किया और प्रार्थना में मैं सम्मिलित हुआ, फिर इसको बहुत आराम है, मतलब अभी चल फिर रही है और अच्छे से प्रार्थना वितना भी कर रही है और हमारे साथ घूम फिर रही है अभी अच्छे से। ऐसे है बहन जी, आप बताइए, आप रो रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ तकलीफ हो रही थी? बहुत तकलीफ हो रही थी हमको, बेड पे पड़ी रहती थी, खड़ा होती थी तो तरह तरह के जैसे घबराहट होती थी, कभी इधर दर्द इधर दर्द, ऐसा लगता था कि फट रहा है सब पूरा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं बार बार बोल रही थी क्या प्रभु, क्या प्रभु, सज्जन हमको क्या बोलेंगे कि प्रभु में जाती है, इसको ये तरह तरह की बीमारी लगी रहती है। आपने प्रभु के पास प्रार्थना की थी यहाँ पे जब आप शुक्रवार आए थे? हाँ शुक्रवार को वहाँ पे आई थी, यहाँ पे आई थी तो मैं प्रार्थना की, इसके पहले से भी मैं जाती थी कलिसिया में और गाँव में आप जाते थे? हाँ। और यहाँ पे जब आप शुक्रवार के दिन प्रार्थना में आए तो उस दिन से आपको फर्क मालूम पड़ने लगा? आराम है, मैं पहले की जैसी हूँ, मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, शरीर में कुछ तकलीफ मालूम नहीं पड़ता? नहीं है, मैं पहले जैसे फ्री हूँ और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बताइए। नाम गीता प्रजापति है, मैं भिवंडी से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा 5 साल से इतना सर्दी जुखाम होता था कि 15 दिन पे, 1 महीना पे, हर महीने में 2-3 बार सर्दी जुखाम हो जाता था, सांस फूलने लगता था, ऐसा लगता था मैं कितना बीमार रहती हूँ, हर हमेशा सुई दवा कराना पड़ता था, उसको ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाता था। उसके बाद मैं जब से प्रार्थना में 1.5 साल हो गया, प्रार्थना में आने लगी, अभी 7 महीना हो गया मैं कोई दवा नहीं खाती हूँ, ये प्रार्थना के तेल से स्तुति आराधना करते करते कोई तकलीफ रहता तो मेरा तकलीफ निकल जाता है, इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। अभी 7 महीना हो गया है, आपकी सर्दी की तकलीफ निकल गई है? निकल गई है, अभी मेरे को थोड़ा भी सर्दी जुखाम नहीं होता है। 5 साल से आपको तकलीफ था? 5 साल से तकलीफ था।
और अभी पूरी तरह से तकलीफ निकल गई। और दूसरी क्या गवाही है? दूसरी गवाही है मेरे हाथ पैर हाथ पूरा ऐसा सूजन आ जाता है, इन्ना दुखने लगता है, मैं आटा नहीं सान सकती हूँ, बर्तन नहीं मांग सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो परमेश्वर की महिमा करते रहूँगी, तेल लगाते रहूँगी और मुक्ति प्रार्थना सुनते रहूँगी। मेरा हाथ का दर्द, पैर का दर्द, कुछ भी दर्द रहता है निकल जाता है, काम कर होते रहता है, मेरा दर्द भी निकलते रहता है, इसलिए परमेश्वर की धन्यवाद दे दी हूँ। आपका नाम बताइए। राधा, लाला सपारा से। पूरा नाम बताइए। राधा मंडल। राधा मंडल, क्या गवाही है? मेरा गवाही था मैं शराब बहुत पीता था। आपको शराब का व्यसन था? हाँ, हम शराब पीता था, दोस्त लोग बैठ जाता दोस्त लोग तो 15 साल से हमको शराब था। मेरा लड़की अभी, मेरा आदमी अभी मारता था, मैं छोड़ता ना, फिर से चुरा को हम पी लेते थे, इसलिए को अभी 3 साल हो गया मेरा शराब का व्यसन चुका है, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। मतलब 15 साल से जो आपका शराब पीते थे आप, उससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था? नहीं था। और 3 साल से प्रार्थना में आते हैं? 3 साल से मैं इधर आते थे, प्रार्थना में आने से प्रभु की कृपा हो गई, अभी शराब नहीं पीते। वो शराब देख के मेरा उल्टी होता, देखने नहीं चाहते हैं, अभी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं होता इसके लिए। पर अभी मेरा एक गवाही है, मेरा लड़की था ना, मेरा आदमी को पास वो नहीं जाता, मतलब आपकी बेटी उसके ससुराल नहीं जाती थी, उसके पति के पास, पति को पास वो नहीं जाता था, रोता था, तो इसके लिए हम प्रार्थना घुटने में हरदम करते थे रो रो कर। अभी इसको आदमी को साथ में अच्छे से रहता खाता, अभी 2 महीने को माँ बनने वाला, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और आपकी, आपका क्या नाम है? हमारा कुरबा मंडल नाम। कुरबा मंडल, ये आपकी बेटी है? हाँ। एक इसके क्या गवाही है? कल्पना, इसको पेट में है ना बहुत दर्द होता था। कितने दिनों से? 1 महीने से दर्द दर्द बोलता था, और लोन प्रार्थना आता ना हम इसमें पेट में हाथ धरते थे, और कबर का मिट्टी लहू लगा के इसको क्रूस बना बना देते थे, तेल और बदर के कब्र की मिट्टी से इसे बना के देते थे। इसको अभी 15 दिन हो गया पेट में, बोलता मम्मी हमको दर्द नहीं करता, अभी अच्छी है वो, अच्छी एकदम है, इसलिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोशन कनौजिया है। और आपकी क्या गवाही है? मेरी ऐसी गवाही है कि मैं बुधवार के दिन ATM में काम करने गया था, और मैं काम करते हुए वहाँ का जो भी फुट्टा था, जो मेरा निकला हुआ था ATM का, जो भी कैमरा वगैरह के सारे फुट्टे मैंने बेच दिए, और बेचा तो ठीक किया, उसमें मैंने एक हाइडन कैमरा होता है बहुत महंगा होता है वो भी मैंने साथ में बेच दिया, और मुझे मालूम नहीं पड़ा कि उसके साथ मेरा कैमरा चला गया है। और मैं काम करके वहाँ से शाम को निकल गया, फिर एक दिन बाद मैं आया, मतलब बुधवार को बेचा तो शुक्रवार को फिर वहाँ पर काम करने के लिए गया, सारा काम कर लिया तो मुझे लगा कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है, तो मैं देखा कि कैमरा मिसिंग हो गया है, तो मैं वो डर गया बहुत कि मैं ऊपर हेड को क्या बताऊंगा कि और मिसिंग भी हुआ है, तो हिडन कैमरा जो महंगा कैमरा होता है वो मिसिंग हो गया मुझसे। तो मैं ये उन लोगों को मैंने फ़ोन भी किया कि भाई यहाँ कैमरा नहीं मिल रहा है, पर एक मैनेजर आके बताया था कि भाई ये चीज़ क्या है, मैंने बोला सर ये बहुत महंगा कैमरा है, ये हिडन कैमरा होता है, और वो भंगा मैंने जब ये बेच दिया तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये कैमरा मैंने गलती से बेच दिया है। फिर मैं वो बहुत डर गया था, और मैं प्रार्थना करने लगा उस ATM में ही, मैं कि प्रभु मुझे वो कैमरा मिलना चाहिए, और मैं गाना गा रहा था कि प्रभु धन्यवाद जो भी होगा अच्छा होगा, और मैं गाना गा रहा था अंदर ही अंदर कि प्रभु मुझे कैमरा दिला दे, तो मैं बहुत डर गया था उस टाइम, फिर भी मैं गाना गा रहा था। तो मुझे याद आया कि एक दुकान वाले के पास मैं गया था सैंडविच खाने के लिए, तो उससे मैंने पूछा भाई वो जो भंगार वाला था वो कहाँ पर है, ऐसा मैं उससे पूछा कि मैं उसके पास जाऊँगा तो मुझे मालूम पड़ेगा, पर उस दिन वो सैंडविच वाला भी नहीं आया है, मैं और डर गया कि अरे वो भी आज नहीं आया, मैं कहाँ उसको ढूंढूँ। तो मैंने वहाँ पर सब जगह पता लगाया कि भाई कि इसका जो दुकान लगाता है किसी के पास नंबर है क्या, तो ढूंढते ढूंढते एक लोग ने बोला भाई मैं उसका नंबर नहीं, उसके भांजे का नंबर है जो भंगार वाला था, वो मतलब कि कहीं वो फेरी डालते हैं भंगार का, वो वाले वो ऐसा आदमी आया था, नहीं वो उससे कनेक्ट था, मतलब वो उसको जानता था ऐसा कि उसने बोला था कि मैं जानता हूँ उसको। तो मैंने उसको फिर बोला, उसने मुझे नंबर दिया, मैंने नंबर पर बात किया, मैं बोला कि भाई मेरा मैंने जो फुट्टा बेचा था उसमें कैमरा भी मिला है क्या, कोई ऐसा बॉक्स है छोटा सा, तो बोलते कि देखते हैं। जब उन्होंने वहाँ पे देखा, मैं अंदर ही प्रार्थना कर रहा था प्रभु उन लोग के मन में लालच ना आए वो कैमरा देखने के बाद, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट का था, तो प्रभु का धन्यवाद वो लोगों ने बोला हाँ भाई तुम्हारा कैमरा है, और वो लोगों ने ला के मुझे दिया मेरे हाथ में, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।